वेलकम टू अब्रिंक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि उसकी क्या डेफिनेशन होती है। ए यूनिवर्सल गेट इज अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विद डाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट। यानी कि जो यूनिवर्सल गेट होता है वो विदाउट एनी गेट्स के हम कोई भी बूलियन फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कौन कौन से यूनिवर्सल गेट्स होते हैं आपके? दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, फर्स्ट नैंड गेट, सेकेंड इज नॉर गेट। और इन दोनों गेट्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट्स। तो नैंड गेट आपको पता है एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, और नॉर गेट आप लोग जानते हैं और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जितने भी आपके बेसिक गेट्स हैं हम उन्हें नैंड या नॉर की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है? तो बेसिकली इसका जो मोस्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि यूनिवर्सल गेट्स आर इकोनॉमिकल एंड ईजियर टू फैब्रिकेट। आगे हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, जैसे नॉट गेट है, एंड गेट है और गेट्स है, उनको किस तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट है आपका नैंड गेट एच अ यूनिवर्सल गेट, ठीक है? तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नैंड गेट को एज ए यूनिवर्सल गेट, और हम जो बेसिक गेट्स हैं आपके उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन है इसकी, एनी बूलियन फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग ओनली नैंड गेट। हम किसी भी बूलियन फंक्शन को केवल नैंड गेट के हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बी विल सो डैट द एंड और, ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम नॉट एंड एंड और, ठीक है? तो इसमें हम प्रूव करेंगे कि यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, ठीक है? तो उसके लिए हम जो बेसिक गेट्स हैं आपके नॉट एंड और, उन गेट्स की जो इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ओनली नैंड गेट्स, ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आ गई है यूनिवर्सल गेट क्या होता है, यानी कि कोई भी बूलियन फंक्शन को अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी गेट्स, केवल क्या है नैंड या नॉट से, तो वो हमारे क्या है यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटिंग ए नॉट गेट यूजिंग ओनली नैंड गेट। अब नॉट गेट आप लोग जानते हैं क्या होता है, उसमें सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, वो एज ए इन्वर्टर काम करता है। अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन होगा, यदि इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो होगा। और नैंड गेट का आपको पता है कि उसमें क्या होते हैं, टू और मोर इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, ठीक है? तो इसके जो टू इनपुट हैं उन्हें हमने क्या किया,
कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इनपुट है आपका ए। अब ए डॉट ए आप लोग जानते हैं क्या होता है ए, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा आपको, ए डैश मिल जाएगा, ठीक है। और ए का ए डैश क्या होता है, ए हमारा नॉट गेट होता है। या हम इसे इस तरह जो हमने दो इनपुट है उसमें एक में ए और सेकेंड हम वन प्रोवाइड कर दें, तो ए डॉट वन का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए डॉट वन क्या होगा आपका, ए होगा, ठीक है। और नॉट गेट का सिंबल क्या होता है आपके सामने है, जो इन्वर्टर की तरह काम करता है, ए का ए डैश हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग एंड गेट यूजिंग ओनली नैंड गेट। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि हम नैंड गेट का जो यूज किया था एज ए नॉट गेट, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हम नैंड गेट को एंड गेट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको पता है कि नैंड गेट क्या है आपका, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम नैंड गेट के आगे एक और नैंड गेट लगा दें एज ए इन्वर्टर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंड मिल जाएगा। तो फर्स्ट नैंड गेट में आपने दो इनपुट ले लिए ए एंड बी, यहाँ से आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, जो आउटपुट होगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके आगे हमने जो नैंड गेट लिया है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था नैंड गेट एज ए नॉट गेट, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अगेन कॉम्प्लीमेंट देगा, यानी कि ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ए डबल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है, ए होती है, ठीक है। तो ए आप जानते हैं कि जो एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन यानी कि जो होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी होता है। ये आपका क्या है, ठीक है, सॉरी पहले नैंड गेट बन गया था, ये क्या है आपका एंड गेट है, ए और बी। तो जो इसका आउटपुट आता था वो क्या आता था, ए डॉट बी आता था, ठीक है। और इससे भी हमें क्या मिल रहा है, ए डॉट बी मिल रहा है, यानी कि जो नैंड गेट है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एंड गेट की तरह। थर्ड है आपका इम्प्लीमेंटिंग और गेट यूजिंग ओनली नैंड गेट, ठीक है। अब जब हम नैंड गेट को और गेट की तरह यूज करते हैं, तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, आपको पता होना चाहिए डिमॉर्गन्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। यानी कि डिमॉर्गन्स थ्योरम कहती है कि एक डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इसमें आपको जो यूज करने होंगे, मिनिमम तीन आपको नैंड गेट का यूज करना होगा। फर्स्ट नैंड गेट को आपने यूज किया एज ए इन्वर्टर, तो ए से ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। सेकेंड को एज ए इन्वर्टर, तो बी से बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। और जो थर्ड नैंड गेट है, जो फर्स्ट आपके दोनों नैंड गेट उनका आउटपुट थर्ड के क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब जब डिमॉर्गन्स थ्योरम से आप इसे ओपन करेंगे, तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका, ए प्लस बी। और यही आपका क्या होता है, और गेट का एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि और गेट आप जानते हैं कि उसमें जब दोनों इनपुट्स जीरो होते हैं तब तो आउटपुट जीरो मिलता है, अदरवाइज जो आउटपुट होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा, ठीक है। तो ए सिंबल है उसका, तो ए और बी दो इनपुट हैं, तो बाई इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए प्लस बी। थैंक यू।